हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए, हम फिर से नए ब्लॉग लेके आए हैं आपके लिए और आज हम मार्केट जाऊँगी मैं अभी, और जो भी हम आज करेंगे वो हम आपके साथ सब शेयर करेंगे और इसी बहाने आपसे थोड़ी थोड़ी बातें भी होती रहेंगी। और अब मैं देव के साथ जाऊँगी मार्केट। आज मैं अपना थोड़ा सा लुक चेंज कराऊँगी और देखिए, क्योंकि एक तो आज यहाँ पर जागरण है, इनके अंकल आंटी के यहाँ जहाँ पर हम रेंट में रह रहे हैं, इनके यहाँ पर जागरण भी है और देखिए करवा चौथ भी आ रही है, तो उसके लिए और मेहमान इनके आए हुए हैं। घर में खूब शोर शराबा हो रहा है, तो मेहमान भी आए हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर टेंट वगैरह लग रहा है, टेंट वगैरह की तैयारी हो रही है, मतलब सब तैयारी चल रही है। हलवाई कल से लगे हुए हैं इनके यहाँ पर, तो अच्छा मन लगा हुआ है। और अब मैं देव के साथ जाऊँगी मार्केट और जो भी मैं मार्केट में देखिए खरीदूँगी सामान और जो भी मैं अपना लुक चेंज कराऊँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है ना। पूरे ब्लॉग पे आप बने रहिएगा, लास्ट तक हमारा ब्लॉग देखिएगा, जब भी आपको पता चलेगा और जब भी अच्छा लगेगा ना, इंटरेस्ट भी जब भी आएगा जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ब्लॉग देखेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारी जो भी नया ब्लॉग आए वो तुरंत आप तक पहुँचे। और शेयर ज़रूर करें, देखिए हमारी वीडियो भी दूर दूर तक जानी चाहिए ना, हमें भी पता चले कि कहाँ से हमें देख रहे हैं, कौन कौन हमें देख रहे हैं। तो आप लोग शेयर करेंगे, हमारी YouTube फैमिली हमारा सपोर्ट करेगी तो हमें भी दूर दूर तक पहुँचेंगे, हमारे को भी सब जानेंगे ना, ठीक है। तो शेयर करना ना भूलिएगा और मैं आपको दिखाती हूँ, चलते हैं मार्केट, ठीक है, चलें देव। फ्रेंड, ये चल रही है टेंट की तैयारी, टेंट लग रहा है और देव चला स्कूटी लेने के लिए और मुझे लेके जाएगा मार्केट, तो अभी तैयारी चल रही है, सामान आ चुका है सारा। देखिए मार्केट में है कितनी भीड़, त्यौहार की वजह से, करवा चौथ का त्यौहार आ रहा है, वजह से पूरी भीड़ हो रही है और हम भी आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। ये देखो, और अरे आकाश क्या देख रहा है तू? मैं बिल बनवा रहा हूँ। इसने भी शॉपिंग करी है अपनी बीवी की के लिए। हाँ जी, तो फ्रेंड्स शॉपिंग करने के बाद आ चुके हैं ब्यूटी पार्लर में और यहाँ पर ये कराएंगे अपना लुक चेंज, हेयर लुक चेंज होगा और इसके लिए ये बैठ चुकी हैं सीट पर और अब तैयारी चल रही है। अब ये अपना कराएंगे हेयर लुक चेंज और शॉपिंग जो हमने की है वो आपको दिखाएंगे बाद में, सामान कि क्या क्या सामान इन्होंने ख़रीदा है अपनी तैयारियों के लिए, कि यहाँ पर तो इतना पॉसिबल नहीं था कि बाज़ार में पूरा आपको दिखाते, काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। तो यहाँ पर अभी मार्केट का दिखा करके और ये देखिए कैंची से कट लग गया है और इनका बालों की स्टाइल होगी चेंज। देखिए फ्रेंड्स, लुक सारा चेंज हो चुका है और बालों की इनकी कटिंग हो चुकी है और लुक इन्होंने चेंज करा लिया है अपना रेन में, ये आप देख सकते हैं। और अब ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बाल फिलहाल देखने में। फ्रेंड, तो मैं अपनी कटिंग करा चुकी हूँ, देखिए बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी ये कटिंग। ये हो गया नया लुक तैयार, सारे बाल कटवा के कर दिए बराबर, बढ़िया। देखिए फ्रेंड, तो हम कटिंग करवा चुके हैं हमारे हीना ब्यूटी पार्लर में और ये होगी हमारी कटिंग, ये देखिएगा ना। और अब हम चल रहे हैं, थ्रेडिंग वगैरह भी हमने सब करा लिया है, मैंने खोल के दिखा दिए थे अंदर ही, ये देखो ये हमारा नया लुक, सारे बाल मैंने कटवा दिए ये हो गया नया लुक। अच्छा बैंड भी लगा दी, क्यों देख कैसा लग रहा है? हैं, बेहतरीन, बढ़िया, अच्छा लग रहा है ना। अब सारे बाल कटवा के मैंने करा ली अपनी कटिंग, ये बताइएगा कमेंट में लिख के फ्रेंड कैसी लगी आपको मेरी कटिंग। देखिए फ्रेंड, तो मैं आ चुकी हूँ घर पे और ये देखिए कटिंग मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ वहाँ पे भी, कि कैसी लगी आपको मेरी कटिंग फिर से पूछ रही हूँ। तो कटिंग भी हो गई है, थ्रेडिंग अपर लिप्स भी हो गई है और जो भी मुझे सामान लेना था मैंने वो सामान भी ले लिया है। अब हम घर पे आ चुके हैं और मैं आपको सामान दिखाती हूँ कि मैं आज क्या क्या सामान लेकर आई हूँ अपना, ठीक है। ये देखिएगा कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ फ्रेंड, ये तो लेके आई हूँ, देखिए मैं साड़ी के साथ की चुंडियाँ, देखिए ये दो शेड में चूड़ी लेके आई हूँ और ये लेके आई हूँ मैं कंगन, क्लेचर कैसे निकल के आया है,
ये लेके आई हूँ कंगन, कोई फैंसी कंगन नहीं लेके आई हूँ, ऐसे कंगन लेके आई हूँ तो डेली यूज में भी इनको पहन लीजिए। देखिए मैंने ऐसे पहन रखे हैं, ये तो मैंने पहन लिए आके, ये भी मैं अभी लेके आई थी कि मुझे अच्छे लगे तो मैंने डाल लिए, तो ये बहुत अच्छे लगे हैं देखिए ना, ऐसे मैं ये लेके आई हूँ। और ये मैं बिंदी लेके आई हूँ, देखिए मैं प्लेन बिंदी लगाती हूँ, कोई फैंसी बिंदी मैं लगाती नहीं हूँ, ये बड़ी बिंदी लगाती हूँ मैं साड़ी के साथ की, तो थोड़ा सा छोटा बड़ा साइज ही मैं लेके आई हूँ। और ये छोटी बिंदी है, ये मैं सूट वगैरह के साथ में लगाती हूँ छोटी बिंदी, तो ये देखिए मैं बिंदी लेके आई हूँ, ये लाई हूँ मेहरून ना, तो ये बिंदियाँ हो गई। और ये देखिए ये लिपस्टिक हो गई हैं, और ये सिंदूर हो गया है, और फ्रेंड्स ये नैन पॉलिश हो गई, और क्लेचर की तो ये सोचिए मैं पूरी बारात सी ही लेकर आई हूँ। ये देखिए कितने सारे मैं क्लेचर लेके आई हूँ ना, अब मैंने बालों की करा लिया कटिंग तो मैं क्लेचर ही क्लेचर लेके आई हूँ, ये एक पहले ही निकल गया है, देखिए कितने सारे क्लेचर लेके आई हूँ मैं, क्योंकि अब पहले मैं जूड़ा बांधती थी और अब हो गई है बालों की कटिंग, क्योंकि पहले तो जूड़ा बनाया और रबर डाली छुट्टी बात खत्म, और अब देखिए जूड़ा तो इनका बनेगा नहीं, अब तो इनका क्लेचर ही लगेगा, मैं बहुत सारे क्लेचर लेके आई हूँ। और ये लेके आई हूँ देखिए मैं ब्रॉच, मतलब जो साड़ी में पिन में लगाते हैं ना घूमों में पिन, प्लेन सादा सिंपल, जो नग वाली वगैरह लेके आते हैं ना वो इलजती भी हैं और वो बेकार हो जाती हैं जल्दी से, मुझे ये वाली अच्छी लगती है सिंपल। और ये लेके आई हूँ देखिए मैं कान चैन, ये वो वाली कान चैन है, देखिए इस तरीके से लगाते हैं इनको, जैसे अगर हम झुमकी वगैरह या कुछ भी पहनते हैं ना, झुमकी पहने या सेट के साथ के कानों के पहने, तो उसमें इस तरह लगा के, और जो यहाँ से लगाते हैं ये वाली में, ये चैन लेके आई हूँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखो इस तरीके की चैन है ये, मेरा बहुत मन था, ये बहुत सुंदर लगती है लग के ना, ऐसी चैन लेने का मेरा काफ़ी दिन से मन हो रहा था कि ये वाली चैन लेके आऊँ। ये देखिए तीन लड़ी वाली चैन है ये, इस तरीके से लगती है, सुंदर लग रही है ना, ऐसे कुछ भी झुमकी पहनो कुछ भी पहनो इस तरीके से ये आप लगा लो। तो ये लेके आई मैं चैन। और फ्रेंड्स देखिए साड़ी मैं पहले ही लेके आई थी, साड़ी मैं पहले ले आई थी, तो ये अब मैं साड़ी की मैचिंग से ही चूड़ी वगैरह लेके आई हूँ करवा चौथ के लिए, ये साड़ी मैं पहले ही लेके आई थी, ये देखिए ये मेरी साड़ी करवा चौथ की, कैसी लग रही है फ्रेंड तो बताइएगा कमेंट में लिख के कि आपको साड़ी कैसी लग रही है। और ये लेके आई हूँ मैं बिछुए, ये देखिएगा बिछुओं का डिज़ाइन बताइएगा कैसा लग रहा है, मैं ज़्यादातर बड़े बड़े बिछुए पहनती हूँ, पर अब के मुझे ना ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा, ऐसे चोटी वाला डिज़ाइन ना, तो मैं आपके ये वाले बिछुए लेके आई हूँ, सुंदर लग रहे हैं बताइएगा कमेंट में लिख के कैसे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं ना, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। ये सामान लेके आई हूँ, और कुछ सामान नहीं लेके आई खास में, क्योंकि सारा सामान क्या होता है ना ला के रखो फिर डेट वगैरह निकल जाती है, तो ज़्यादा रोज़ तो यूज होता नहीं है मेकअप का ऐसा सामान, ये चीज़ तो ऐसे ही कंटिन्यू है, लिपस्टिक हुई नैन पॉलिश हुई तो यूज होती रहती है, तो मेरे पास मेकअप का सामान रखा है और इसलिए मैं और वो लेके नहीं आई, तो जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा फिलहाल मैं वो लेकर आई हूँ, ठीक है ये ज़्यादा ज़रूरी है तो ये मैं ले आई हूँ। बताइएगा फ्रेंड तो आपको मेरा सामान कैसा लगा, मेरी साड़ी कैसी लगी और मेरी कटिंग कैसी लगी, क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है यार इतने लंबे बाल थे, अब पता मैं बालों को हाथ लगा रही हूँ ना यहीं ख़त्म हो रहे हैं ऐसे करके, जब तो उनको ऐसे समझाती रहती थी और ऐसे हाथ लगा रही हूँ तो यहीं ख़त्म हो रहे हैं इतने लंबे बाल थे मैंने सब कटवा दिए, देखे पर ना हल्के भी बहुत हो रहे थे, बहुत ही अजीब से हो रहे थे, बहुत ही हल्के हो गए थे, तो इस वजह से मुझे ना मैंने कटिंग ही करा ली, क्योंकि चलो कटिंग करा लेते हैं, तो इस वजह से मुझे कटिंग करानी पड़ी, अच्छे ही नहीं लग रहे थे बहुत ही, थोड़े भाग बाल जब लंबे होते हैं ना थोड़े से भारी हो तो बहुत सुंदर लगते हैं, बस सीधे करा लिए थे, ज़्यादा आगे से कटिंग कराई, पहले मैंने आगे से लेजर कटिंग कराई थी पिछली बार तो पीछे ऐसे रखते थे, अब तो इस बार ज़्यादा ही बहुत ही हल्के बाल हो गए थे, तो मैंने इसलिए अब तो सारी कटिंग कराई है। तो कमेंट में लिख के कैसे बताइएगा हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा फ्रेंड, जो भी है मैंने थोड़ी थोड़ी चीज़ों का छोटा सा जो भी ब्लॉग बनाया है आपसे, जो भी ये शेयरिंग मैंने की है आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे हमारा जो भी नया ब्लॉग आए तुरंत आप तक पहुँचे, और हमारे चैनल पर जो भी नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को
वो बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि जो भी नए व्लॉग आए वो आप तक पहुँचे। तो ठीक है फ्रेंड, इस ब्लॉग को हम यहीं पूरा करते हैं और जल्दी से मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।